हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कि एक कॉर्नर पे, वॉल के कॉर्नर्स पे आप विंडो या फिर ग्लास किस तरीके से लगा सकते हैं। ये एक स्टूडेंट का डाउट है, वासिक इकबाल। तो उनके डाउट पे फर्स्ट डाउट वीडियो है रेविट की, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इस टाइप की विंडो को हम कैसे लगाएंगे, कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेवल वन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वॉल लेता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। मान लो मेरे पास एक कॉर्नर है और इन सब की हाइट जो मैं कर लेता हूँ कनेक्टेड टू लेवल टू, कुछ इस टाइप से मेरी यहाँ पे विंडो कॉर्नर है। अब यहाँ पे बनाने के देखो कई तरीके, एक तो इस टाइप की परफेक्टली लगाई है, इस टाइप से लगानी है आपको, या फिर इस टाइप से आपको लगानी है ओनली ग्लास, यहाँ पे मिलियंस नहीं लगाने, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। करना कैसे है, सबसे पहले तो देखो कई सारे वे है इसको करने के, कि एक बार तो मेरे को यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब कटिंग में कंपोनेंट मॉडलिंग प्लेस में जाके भी कर सकता हूँ, वॉल को सिलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल करके भी इस वॉल को कट कर सकता हूँ, या फिर अभी जो मैं यूज करूंगा आइडिया वो करूंगा वॉल कटिंग से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्नर पे मैं रेफरेंस प्लेन बना लेता हूँ, एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे। प्लेन क्यों बनाया अभी बताता हूँ। एनोटेट पे जाओ, अलाइन पे क्लिक करो और यहां से मैंने कर दिया वॉल फेस, इससे और ये मैंने एक डायमेंशन ली और इससे ये मैंने एक डायमेंशन ली। मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, अब इसको मैं कर देता हूं डायमेंशन, क्योंकि मेरे को यहां पे 7 फीट चाहिए मान लो, और इसको सिलेक्ट करके इसको भी मैंने कर दिया कि ये भी मुझे 7 फीट चाहिए। क्लियर है। अब इससे क्या हुआ कि परफेक्टली कटिंग आ जाएगी जितना भी मुझे चाहिए। अब डायमेंशन को मैंने डिलीट किया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे आर्किटेक्चर पे जाता हूँ, वॉल कटिंग ओपनिंग पे क्लिक करता हूं और इस वॉल को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बना देता हूं। अब आप देखोगे जितने भी आया वो रेक्टेंगल ने कटिंग कर दी, और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूं टॉप ऑफसेट 1 फिट माइनस 1 फिट और बॉटम ऑफसेट यहां पे मैं लेता हूं 1 फिट। इससे क्या होगा, अगर आप 3D में जाके देखते हो इस वॉल को, नीचे से 1 फिट और ऊपर से 1 फिट बच जाएगा, इसके बीच में मैं अपनी विंडो को या फिर अपने ग्लास को लगा सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पे जाके करूंगा वॉल ओपनिंग, सिलेक्ट की ये वॉल और एक रेक्टेंगल बनाया, और इसको भी मैं क्या सिलेक्ट करके मैं यहां से करता हूं इसको -1 और बेस ऑफसेट 1। क्लियर है। अब मेरे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला प्रोफाइल मेरे को यहां तक रखना है, तो मॉडिफाई अलाइन, इससे अलाइन कर दो ये और इससे अलाइन कर दो ये, तो आपके पास एक कटिंग आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप 3D में जाके देखोगे तो ये कटिंग आ गई आपके पास बेसिकली। ओके, अब इस कटिंग पे मुझे ग्लास लगाना है, तो ग्लास के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा यहाँ पे आर्किटेक्चर वॉल पे और मैं यहां से चूज करूंगा कर्टेन वॉल, और कर्टेन वॉल को मैं एडिट टाइप में जाके इसको मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। मैं अपने तरीके से जो मिलियंस यहाँ पे लूंगा, मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डुप्लीकेट कोई भी नाम, कर्टेन वॉल 2 के नाम से ही मैंने रखा। अब कर्टेन वॉल 2 के नाम से अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे कर्टेन पैनल है, उसको तो मैं कर देता हूँ ग्लेजिंग सिस्टम पैनल, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, चलो बाद में करते हैं। और नीचे जाके मैं यहाँ से इसको जो वर्टिकल मिलियंस है उनको मैं कर दूंगा 1.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस। सेम मैं इसको कर देता हूँ 1.5 इंचेस रेक्टेंगुलर मिलियन, और सेम कर देता हूँ रेक्टेंगुलर 1.5 इंचेस से 2.5 इंचेस, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, ये सारे आए, ओके किया। अब बेस ऑफसेट भी इसका मैं यहां से लेता हूँ 1 फिट और टॉप कनेक्टेड टू लेवल 2 और टॉप ऑफसेट लेता हूँ -1 फिट। क्लियर है। और इसका जो मैं ऑफसेट लेता हूँ वो लेता हूँ -2 इंचेस। अब क्या होगा कि मैं यहां से अगर वॉल बनाता हूँ, स्पेस प्रेस किया, इधर फ्लिप करके बनाता हूँ तो -2 इंचेस अंदर आएगी, यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहीं से मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे 3D पे जाके देखोगे तो इस टाइप का आपका एक कर्टेन वॉल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ का स्टेट, यहाँ पे जो है आपके मिलियन लगे हुए हैं, मैं एक मिलियन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको अनपिन करता हूँ, और अनपिन करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। अब ये वाला मिलियन बचा मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी अनपिन करता हूँ, और अनपिन करने के बाद मैं इसको एडिट टाइप पे जाके रेक्टेंगुलर नहीं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एल
कॉर्नर मलियन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही एल कॉर्नर मलियन लगाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका साइज काफी बड़ा है। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे जाऊंगा, एक डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा। ये 5 इंचेस बाई 5 इंचेस का है, तो मैं इसे 2 इंचेस बाई 2 इंचेस का बना लेता हूँ यहाँ से। ओके किया। अब अगर नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे लेग वन एंड लेग टू है, मैं इनका साइज भी 2 इंचेस बाई 2 इंचेस रख देता हूँ। ओके। और उसके बाद देखो इतने करने के बाद अभी एक और चीज है, थिकनेस भी है यहाँ पे, मैं इसको ओके करूंगा। एंड यहाँ से अगर मैं ओके करके देखता हूँ यहाँ पे ये एलिमेंट को बना नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जो आपकी, अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसे, अंडू करता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बताता हूँ। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, 2 इंचेस इंटू 2 इंचेस, क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे मान लो मैंने 2 इंचेस का किया है लेग वन और लेग टू का, बट जो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो है 5 इंचेस, वो मैच ही नहीं कर रही है उससे, तो आप इसे भी 2 इंचेस करोगे। क्लियर है? अब ओके करोगे तो वो बन जाएगा इस तरीके से। बट यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देख पा रहे हो कि वो अच्छे से नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे जाना है, तो ऑफसेट हमें इसका भी यहाँ पे रखना है 2 इंचेस। अगर आप ओके करोगे तो अब आप देखोगे परफेक्टली, अब 2 इंचेस में ये बाहर निकल रहा है यहाँ से। इसको दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो ऑफसेट है वो मैं 1 इंचेस लेता हूँ। ओके। अब ये परफेक्टली यहाँ पे प्लेस हो गया है, और इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे आप इस चीज को कर सकते हो, ऐसे आप विंडो बना सकते हो, विंडो ग्लास जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हो। कोई भी पैनल आपको बीच में चाहिए तो उसके लिए सिंपल है, वही ग्रिड लगा सकते हो, और ग्रिड लगाने के बाद जो भी पैनल आपको चाहिए वो पैनल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। क्लियर है? और इसका मटेरियल अगर चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करो मलियन को, एडिट टाइप पे जाओ, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह जो भी आप वुडन मटेरियल जो भी डालना चाहते हो वही मटेरियल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, वही मटेरियल आपके मलियन का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपके अगर एल्यूमिनियम के आपको विंडो के फ्रेम नहीं चाहिए तो वुड के एल्यूमिनियम के फ्रेम आप बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ऐसे करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और एल कॉर्नर विंडो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपके भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अब डाउट क्लासेस में आपके डाउट्स को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।